नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुकृति आपका कुकिंग को इनकरेज करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी की पराठा। मेथी की पराठा बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 2 कप गेहूं की आटा, 1/2 कप चॉप किया हुआ मेथी साग, 4 कली लहसुन, छोटा सा अदरक की टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। ये तीनों को एक साथ में मैंने पेस्ट बनाऊंगी। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 कप दही, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हींग। सबसे पहले मैंने एक पैन को गरम किया और उसमें मेथी दाना और साबुत जीरा को रोस्ट करूंगी। मेथी दाना और जीरा रोस्ट हो गए हैं। अब मैंने गैस को ऑफ करूंगी और इसमें अजवाइन को ऐड करूंगी। अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूंगी। मैंने मसाला को ग्राइंड कर लिया है और मिर्ची लहसुन अदरक को भी पीस लिया है। अब मैंने एक प्लेट में आटा, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सादा नमक, पिसा हुआ मसाला, ये सब कुछ एक साथ में मिक्स करूंगी। मिक्स हो गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च अदरक लहसुन की पेस्ट, मेथी पाता, दही और हींग। अब मैंने सब कुछ एक साथ में मिक्स करूंगी और गूंथ लूंगी। मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स हो जाने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और आटा को गूंथ लूंगी। मैंने आटा गूंथ लिया और डो रेडी है। अब मैंने इस डो को 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, आटा रेडी है पराठा बनाने के लिए। अब मैंने इस डो को एक बार फिर से गूंथ लूंगी और डो से छोटा छोटा बॉल बनाऊंगी। मैंने छोटा छोटा बॉल बना लिया है। अब इस बॉल को अपने हाथ से अच्छे से लोई बनाऊंगी। मैंने सारे लोइया बना लिया है। अब मैंने एक लोइया उठाऊंगी और इसको बेलूंगी। पहले थोड़ा सा आटा में डस्ट करूंगी और फिर बेलूंगी। मैंने पराठा को बेल लिया है। अब मैंने इसको फ्राई करूंगी। मैंने पराठा बनाने के लिए पैन गरम कर लिया है। अब मैंने इसको पैन में रखूंगी। पराठा नीचे से सीख गए हैं। अब मैंने इसको पलट दूंगी। अब मैंने एक स्पून में ऑयल लूंगी और इसके ऊपर से ऑयल ग्रीस कर दूंगी। अब मैंने इसको फिर से पलट दूंगी। फिर से मैंने ऊपर ऑयल ग्रीस कर दूंगी।
पराठा दोनों साइड अच्छे से सिक गए हैं। अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लूंगी। फिर मैंने दूसरा पराठा डालूंगी। पराठा नीचे से सिक गए हैं। अब मैं पराठा को पलट दूंगी। पलटने के बाद स्पून में तेल लेके मैंने पराठा को ग्रीस कर दूंगी। मैंने तेल लगा लिया है। अब मैंने इसको पलट दूंगी। दूसरे साइड में भी मुझे तेल लगाना है। आप तेल की जगह घी भी यूज कर सकते हैं। पराठा दोनों साइड से अच्छे से सीख गए हैं। जब पराठा के ऊपर ये ब्राउन स्पॉट आ जाए अच्छी तरह से, इसका मतलब पराठा सीख गए हैं। अब मैंने पराठा को प्लेट में निकाल लूंगी और इसी तरह से मैंने सारे पराठा फ्राई करूंगी। मेथी की पराठा रेडी है। इसको दही की चटनी टमाटो सॉस के साथ आप खा सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ मेरा कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।